वाराणसी में जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ाई, स्कूल में निर्माणाधीन छत के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यूपी के बरेली में सड़क किनारे 10 फीट लंबा अजगर मिला, गांव वालों के छोड़ने पर पेड़ पर चढ़ा अजगर। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, बीच बाजार में जमकर मारपीट हुई, बाइक सवार पति पत्नी भी मारपीट की चपेट में आए। यूपी के बदायूं में बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार, अवैध संबंधों की वजह से सुपारी किलर से हत्या करने का आरोप। नोएडा में 13 साल की बच्ची से रेप के आरोप में दो नाबालिग गिरफ्तार, रेप के मामले में शामिल महिला की तलाश। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा, चोरों से अवैध हथियार भी बरामद किए। यूपी के जालौर में बदमाशों का कहर, संधि गांव में 5 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, महिला समेत 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला की दिलेरी, हमला करने आए युवक को पकड़ा, तमंचा छीन कर पुलिस के हवाले किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा आंदोलनकारी टीचर्स का मामला, कोर्ट में आज सरकार रखेगी अपना पक्ष। बिटकॉइन में निवेश के नाम पर दिल्ली एनसीआर के लोगों से 10 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, गाजियाबाद से धरे गए दोनों आरोपी। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, स्टेशन का नाम चैत्य भूमि करने को लेकर प्रदर्शन। मुंबई के एरोली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने महिला की जान बचाई, ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का बैलेंस गिर गया।